वेलकम फ्रेंड, मैं विजय कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजय में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाशिंग मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में। फ्रेंड, इस वाशिंग मशीन जो आप देख रहे हैं, इस वाशिंग मशीन के जो कि स्पिन मोटर है फ्रेंड, वो जो वर्क नहीं कर रही, यानी कि वो कपड़े नहीं सुखा पा रहे, घूम नहीं रही। तो फिर हम इसमें जानने वाले किन कारणों की वजह से है जो कि ये स्पिन जो मोटर है जो काम नहीं कर रही। और साथ में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रेंड कि किस प्रकार से जो है कि वाशिंग मशीन के टब वगैरह सबको बाहर निकाला जाता है, किस प्रकार से हम मोटर को बाहर निकाल कर उसका सारा पार्ट्स खोल सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आइए इसकी वीडियो हम जो शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो शेयर जरूर करना। फ्रेंड, अगर वीडियो के पार्ट में कुछ समझ में ना आए तो फ्रेंड आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को फुल वॉच तक देखना। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो ये वॉशिंग मशीन है फ्रेंड, इसका जो है पल्सेटर जो बाकी है कि ये घूम रहा है, जो कि वॉश करने का है फ्रेंड, जो कि अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ये परफेक्टली चल रहा है फ्रेंड। इसका जो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड, जो इसका स्पिन जो टफ है फ्रेंड, आप जो देख सकते हैं फ्रेंड, जो कि स्पिन टफ है, ये नहीं चल पा रहा है। मैं आपको टाइमर घुमा कर दिखा देता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो स्पिन मोटर है वो एकदम जी बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है फ्रेंड। और इसको हम जानने वाले हैं कि किन कारणों की वजह से है जो कि ये नहीं चल रहा फ्रेंड। इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है फ्रेंड। हो सकता है कि इसमें जब ढक्कन उठाते हैं, जो इसमें स्विच लगा रहता है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा फ्रेंड। सबसे पहले जो कि हम इसको पीछे से देखने वाले हैं, उसके लिए फ्रेंड आपको ये पाछे जो लगा हुआ ढक्कन है, इसके सभी स्क्रू पेज को जो खोलना होगा फ्रेंड। तो मैं इन सभी पेज को एक एक करके खोल लेता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड, जो कि हमारा जो ये ढक्कन जो है काफ़ी सेफ्टी के लिए लगाया रहता है, जैसे चूहे वगैरह जो अंदर नहीं जाए। फ्रेंड, आप जब भी इस ढक्कन को खोले, आपको इसको वापस उसी तरीके से लगा देना है फ्रेंड, जिससे कि हमारा चूहे वगैरह अगर अंदर चले जाएंगे तो वायरिंग भी काट सकते हैं, हमारा जो ड्रेन पाइप है वो भी ख़राब हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड इसमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फ्रेंड, जो आपको जो है कि इसके जो सभी स्क्रू खोलने हैं और उसी तरह स्क्रू को संभाल के भी रखना है फ्रेंड। और आपको वापस से जब लगाने हैं तो सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है फ्रेंड। आपको सभी स्क्रू को खोलना, कोई भी एक भी स्क्रू आपको जो है कि रखना नहीं है। तो आइए फ्रेंड, जो कि सभी स्क्रू को हम खोल लेते हैं सबसे पहले। फिर आगे फ्रेंड, इसी प्रकार से जो है कि आपको सभी नटों को खोलना है फ्रेंड। इसमें कंपनी की तरफ से जो सील लगाई गई, आपको इसको पेच के साथ इस तरह से तोड़ लेना है, क्योंकि फ्रेंड ये प्लास्टिक की जो हमारी थैली होती है इसका जो बना के लगाया गया। फ्रेंड, यहाँ पे एक पेच और रह गया, हम इसको भी अच्छी तरीके से जो है कि फ्रेंड खोल लेते हैं। फ्रेंड, आपको सभी पेचों को खोल लेना है फ्रेंड। जो है कि आप देख सकते हैं हमारा सभी जो पेज है वो एकदम खुल गए फ्रेंड। आए उससे पहले हम आपको कुछ डायग्राम वगैरह यहाँ दिखा देते हैं कि फ्रेंड इसमें कितना क्या है। फिर आप इसमें देखते हैं, इसमें 7 kg का ये है। फिर यहाँ पे आपको वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है फ्रेंड, मैं आपको उसको साइड में स्क्रीनशॉट लगा कर दे दूँगा, आप वहाँ से इसको अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या सिस्टम दिया गया है। फ्रेंड, इसमें इसका जो वायरिंग मोटर, स्पिन मोटर, टाइमर, बजर वगैरह सभी का इसमें कनेक्शन एकदम परफेक्टली सिखाया गया है, एकदम कलर कोडेड इस सभी का पार्ट्सों का नाम के सही इसमें सिखाया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो है कि हम इस ढक्कन को यहाँ से खोल लेते हैं। ढक्कन को खोल लेने के बाद फ्रेंड, अगर आपने पावर प्लग में वायर लगा रहा है तो सबसे पहले आप वहाँ से वायर निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट वगैरह का भी डर रहता है, आपको शॉर्ट लग सकता है। फ्रेंड, सबसे पहले हम क्लच की जो है वायर, जो ब्रेक वायर जो होती है स्पिन मोटर की, हम इसको खींच कर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो है कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो करंट भी बता रही है। तो सबसे पहले हम इसके जो है कि पावर प्लग में से जो इसकी वायरिंग निकाल देते हैं फ्रेंड्स। फिर इसमें जो ग्राउंड अर्थिंग लगा उसके बाद भी करंट दिखा रही है। तो सबसे पहले है कि फ्रेंड इसमें से हम बाहर से वायर जो है कि निकाल देते हैं पावर में से। उसके बाद फ्रेंड, मैं आपको दिखाते हैं फ्रेंड जो है कि हमारे ये ब्रेक के जो वायर होती है, ब्रेक वायर, हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड कहीं ज़्यादा टाइट वगैरह तो नहीं है। तो फ्रेंड, हम आपको अंदर की ओर दिखा देता हूँ फ्रेंड, जो कि है कि इसमें से पानी यहाँ पे चोया है फ्रेंड, जिसकी वजह से इसमें जंग आ गया, जिसकी वजह से हमारे जो है कि क्लच जो ब्रेक का जो है, बार बार क्लच का नाम आ रहा है, जो ब्रेक है जो फ्रेंड वो टूट चुका है। और इसी वजह से जो है कि हमारे ये काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगे जाके उसमें टकरा जाता है, जिससे कि मोटर जो सेंसर वगैरह जो सिस्टम उसमें रहता है कंपनी का, वो उसको गर्म होने से इसको चलने नहीं दे रहा है फ्रेंड। तो सबसे पहले है जो कि फ्रेंड हम इसे खोल कर देखने वाले हैं फ्रेंड, जिसकी तरह से कि आप इसको देख सकते हैं कि फ्रेंड जिसमें जो क्लच, इसका जो ब्रेक है वो टूट गया। फ्रेंड, इसके टेस्टर की सहायता से हम कोशिश करेंगे, अगर खुल जाएगा ठीक, नहीं तो फिर हम इसमें टामी लगा कर ही हम इसको नट को खोलने वाले हैं। फ्रेंड, जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पे
पीछे से जो है कि एकदम ये लॉक हो रखा है एकदम। हमें शाफ्ट को और इस मोटर को अलग करना होगा सबसे पहले फ्रेंड। उसके लिए फ्रेंड जो है कि हमें इसमें टाइमिंग वगैरह की ही ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड, क्योंकि पेचकस से खुलने वाला वैसे है नहीं। तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम इसे ज़मीन की सहायता से इसको लेटा देते हैं। लेटा देने के बाद ही फ्रेंड हम इसको इसके जो बाकी के पेच स्क्रू है फ्रेंड वो भी हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद ही हम इसको पता लगा सकते हैं कि फ्रेंड इसमें से कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो लगा रहा पुश्ता ये वगैरह ये भी आपको इसमें से यहाँ से निकाल देना है आपको हाथ के साथ फ्रेंड। अगर ये अच्छा रहेगा कि अगर ये इसमें आपको वापस लगा देना है, इससे क्या है कि चूहे वगैरह नीचे से भी अंदर ना जाएगा, पुश्ता इसमें लगा रहेगा रखा रहेगा। तो फ्रेंड जो है कि इसमें खुट दिए हुए, आप इन खूटों को भी दबा कर आपके मोटर खोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड हम उसके साथ मोटर को नहीं खोलेंगे, सिर्फ हमें हमारा जो है कि ब्रेक ही निकालना है। उसके लिए फ्रेंड हमें जो बॉडी के जो इसमें नट लगे रहते हैं इस प्रकार से, हमें इन सभी नटों को अच्छी तरीके से वहाँ से निकाल लेना है फ्रेंड। जिससे अभी जो नट है फ्रेंड इसमें 5-7 नट जो आसपास पूरी बॉडी के इसमें लगा रहता है। एक नट जो है कि फ्रेंड आपको स्पिन मोटर के अंदर जो अपने वाश मोटर जो होती है फ्रेंड वहाँ के खाँच के अंदर एक बोल्ट लगा रहता है जो कि काफ़ी गहराई में लगा रहता है, वो दिखता नहीं। आप फ्रेंड आपको उसको ढूंढना होगा और आपको वो नट भी खोलना पड़ेगा, तभी आपकी जो है मशीन जो कि आपका जो ढक्कन है ये प्लास्टिक का है जो तभी अलग हो पाएगा। सबसे पहले है जो कि फ्रेंड हम सभी नटों को जो है कि बारी बारी से सभी को निकाल लेते हैं। फिर आप जो अंदर की साइड देख रहे हो फिर यहाँ पे जो है कि इसमें हो जाता है। फिर सबसे पहले है कि जो हम इसका बेल्ट वगैरह है वो भी हम इसको निकाल लेंगे। फिर बेल्ट जो है आपको निकाल लेना पड़ेगा, चाहे आप मोटर की तरफ से निकालें, चाहे आप जो हमारे गियर बॉक्स है वहाँ से निकालें, किसी भी प्रकार से आपको निकालना है। फिर अगर ये मोटर की साइड से नहीं निकल पाए तो आपको जो गियर बॉक्स है वहाँ से आपको हाथ में से तिरछा करके निकालना है, क्योंकि जबकि हम जब मशीन को जो अलग करेंगे तो फिर बेल्ट दिक्कत दे सकता है। उसके लिए फिर आपको इस बेल्ट को जो है कि यहाँ से निकाल लेना है। बेल्ट निकाल लेने के बाद फिर आपको जो है कि आपका जो ड्रेन का जो स्प्रिंग जो वायर जो आया रहता है फिर आपको वो भी निकालना है, क्योंकि वहाँ वो भी खींच कर टूट सकता है। तो फिर आपको वो भी अलग कर लेना है। और यहाँ से जो हमारी सारी जो वायरिंग वगैरह जो रहती है फिर उनको भी हम अलग करने वाले। यहाँ से जो सारी वायरिंग को हम यहाँ से टप से जो कि साइड इसकी जो सब कुछ हम यहाँ से अलग करेंगे फ्रेंड। छोटू पानू बनाओ तब तक जोश कर पेच का काट के फिर हमारे देख सकते हैं कि जो हमारा टप है वो सभी तरीके खोल लिया है। लेकिन इसके लिए फिर हमें वायरिंग जो यहाँ से जो इस टप में यहाँ पे लॉक हो ही रहती है फिर हमें लॉक वगैरह काटना पड़ेगा। लॉक इस लॉक को काटने के बाद फिर जो है कि हमारी सारी जो वायरिंग है वो अलग हो जाएगी। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो वायर जिस तरह से आप जहाँ से वायरिंग का जो लॉक निकाल रहे हैं हमें सभी वायरिंग को वापस वहीं पर असेंबल करना है। उसके लिए फिर जो हमारी स्पिन मोटर है फिर हम जो टामी इसमें लगा कर 8 नंबर के टामी से हम इसको खोल लेंगे फ्रेंड। फिर ये हमारी जो बिल्कुल आसानी से खुल जाए। फिर इसमें 2 ही नट लगे हुए रहते हैं, एक तो हमें दोनों नटों को 8 नंबर ही टामी से खुल जाएंगे फ्रेंड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप टामी हो या फिर आपके पास पाना हो टी पाना जो भी हो फ्रेंड, आप उसके सहायता से आप इस को है जो यहाँ से बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अलग कर सकते हो फ्रेंड। अलग करने के बाद फिर जो मैंने अभी आपको कहा था कि इसमें एक बोल्ट रहता है अंदर के साइड में इस वाश मोटर के नीचे, तो आपको वो बोल्ट भी खोलना है तभी आपकी बॉडी अलग होगी। तो फिर सबसे पहले हम वो भी खोल लेते हैं। फिर आपको उसको ज़ोर से खींचना है फिर पीछे की साइड, तो आप देख सकते हैं कि फिर जो आपकी मोटर और जो आपका वाश मोटर का ड्रम है जो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर हम मोटर को नहीं निकालने वाले, क्योंकि मोटर जो हमारे सही है हमने चेक किया था इसको, हमें आपको वीडियो वो पार्ट्स जो है जो दिखा नहीं पाया फ्रेंड। जो कि हम इसको पेचकस की सहायता से जो हमारा ऊपर का जो ब्रेक का जो ये प्लेट है फ्रेंड हमें से भी प्लेट चेंज करना है, तो हम ये प्लेट ही निकाल लेते हैं फ्रेंड। फिर ये पेंट जब आप इसको खोल लेंगे तो फिर आपकी ये प्लेट जो है कि बिल्कुल आसानी से खुल जाएगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले फ्रेंड आपको सिर्फ आपकी वाशिंग मशीन के सारे नट बोल्टों को बस खोल लेना है, उसके बाद आपको उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप जहाँ से निकाल रहे हैं जिस तरह खोल रहे हैं फ्रेंड वो चीज़ हमें उसी तरह से असेंबल करना है। तो फ्रेंड इसमें जो है कि प्लेट ब्रेक स्पिन की जो ब्रेक की जो प्लेट रहती है फ्रेंड इसमें 3 स्क्रू कसे रहते हैं। फ्रेंड हमको तीनों को पेचकस के सहायता से जो है कि फ्रेंड हमें खोल लेना है।
फिर जो कि आप इस नट को इस प्रकार खोल लेंगे तो हमारी जो प्लेट है वो एकदम आप खुल जाएगी। फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेट है वो खुल चुकी है। फिर हमें जो ये प्लेट है यही नए डालना है। फिर तो फिर हम जो कि इसको ही चेंज करने वाले हैं, जो कि इसमें नया जब हम ला के डालेंगे तो फिर देखो हमें या तो हमें स्पिन मोटर खोलनी पड़ी ना हमारे पास मोटर को खोलना पड़ा। फिर हमारा सिर्फ प्लेट का काम था, जो हमारा प्लेट खुल गया है। फिर उसी की सहायता से जो कि हम ये जो चेंज कर लेंगे। फिर तो वीडियो कैसे बन लगी फ्रेंड आप कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी एक दिन नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू जो ब्रेक स्विच है वो किस तरह लगाया जाता है। ओके फ्रेंड बाय।